हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल खुशबू लाइफस्टाइल। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। जी हाँ, वीडियो देख के आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं दाल मखनी की रेसिपी। तो चलिए आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। के लिए हमने लिया है छिलके वाली उड़द दाल और राजमा, जिसे मैंने ओवरनाइट भिगो के रखा था, और अब हम इसे गैस पे दो विसल आने तक पका लेंगे। जब तक दाल हमारी पकेगी तब तक हम कुछ मसाले रेडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है 4 से 5 टमाटर, तो इसे हम कट कर लेंगे और मिक्सर जार में डाल के इसे अच्छे से पीस लेंगे। तो टमाटर को मैंने ग्राइंडर में डाल दिया और ये देखिए, ये अच्छे से पीस गया है और हमारी दाल भी बन गई है। तो अब चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गैस पे हम कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई में डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून घी। घी में बनाएंगे तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहें तो इसे ऑयल में भी बना सकते हैं बटर के साथ, बट मैं इसे पर्सनली हमेशा घी में ही बनाती हूँ। और ये दाल मखनी है तो बिना बटर के तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, तो इसमें हम ऐड करेंगे बटर। तो मैं यहाँ पर 3 से 4 टेबलस्पून के करीब बटर भी ऐड कर रही हूँ। और अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं कटे हुए प्याज। तो मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ को प्याज को कट कर लिया था और अब मैं इसे कढ़ाई में डाल रही हूँ और इसे हम चलाएंगे, मतलब तेल में अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका कलर आने तक हम इसे फ्राई करेंगे लो मीडियम फ्लेम पे। हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तो प्याज जो है वो जल जाएंगे। तो हम इसे लो मीडियम फ्लेम पर अच्छे से फ्राई करेंगे। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे प्याज का कलर जो है वो चेंज हो गया है, मतलब प्याज अच्छे से फ्राई हो गया है। तो इस स्टेज पे आके हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ लहसुन और अदरक का पेस्ट, जो कि 2 चम्मच लिया है मैंने। और अब इसे हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए इसे ऐसे भूनेंगे। जब हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट भून जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेस्ट जो है अच्छे से भुन गया है प्याज में। तो अब हम इस स्टेज पे आके मसाले ऐड कर लेते हैं। तो मसाले में मैंने लिया है 1 चम्मच जीरा पाउडर और 1/2 छोटी चम्मच मैंने लिया है लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, और इस मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दाल मखनी बनाने में ज़्यादा मसाले की ज़रूरत नहीं होती है और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो बस मसाले हम इतना ही यूज करेंगे, इससे ज़्यादा मसाले नहीं यूज करेंगे। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद जो हमने टमाटर को ग्राइंड करके रखा था उसको भी ऐड कर लेते हैं इसमें, और ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिला देंगे। तो इसे अच्छे से मिला लें और अब हम इसमें डाल देंगे नमक। तो नमक यहाँ पे आप स्वाद के अनुसार डालें, क्योंकि जब हम दाल पका रहे थे तो उसमें भी नमक डाला था मैंने, और बटर ऑलरेडी सॉल्टी होता है। तो नमक आप अपने हिसाब से स्वाद के अनुसार डालें, ज़्यादा नमक ना डालें। नमक डालने के बाद हम मसाले में अच्छे से उसे मिक्स करेंगे और कवर करके मसाले को हम पकाएंगे 5 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। जब तक मसाले पक रहे हैं तब तक हम दाल को चेक कर लेते हैं कि दाल अच्छे से पकी है या नहीं। तो दाल तो वैसे भी अच्छे से पक गई है और हम इसे ओवरनाइट भिगो के रखे थे, तो दाल जो है वो बहुत अच्छे से फूल गई थी, सॉफ्ट हो गई थी, तो इसलिए भी ये 2 विसल में ही अच्छे से पक गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत अच्छे से दाल कुक हुई है, तो दाल भी पक गई है। अब चलिए हम फिर से मसाले को देख लेते हैं कि मसाले रेडी हुए या नहीं। तो ये देखिए, मसालों ने तेल रिलीज करना शुरू कर दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो मसाले जो हैं वो अच्छे से पक गए हैं, तो इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं। आप चाहें तो बीच में फ्लेम हाई मीडियम भी कर सकते हैं, ये आपके अनुसार है अगर आपको जल्दी बनाना है तो। बट अगर लो मीडियम फ्लेम पे कोई भी चीज़ बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी बनती है, भले ही थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो ये यहाँ पे मसाले जो अच्छे से पक गए हैं, तो अब हम इसमें दाल को ऐड कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे दाल को ऐड कर लेती हूँ, और मेरे दाल में पानी बिल्कुल भी नहीं था, मैंने उतना ही पानी डाला था जितना कि ये पक जाए। तो इसलिए मैं इसमें ऊपर से 1 गिलास पानी ऐड करूँगी। पहले मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ इसमें। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है, तो अब मैं इसमें ऊपर से पानी ऐड कर लेती हूँ। अगर आपके दाल में पानी है तो आप बिल्कुल भी ऐड नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पतला अच्छा नहीं लगता है, बट ये ठीक ही अच्छा लगता है। बट मैंने जब दाल डाला था तो ये बहुत ज़्यादा ही ठीक था, इसलिए मैंने थोड़ा इसमें पानी ऐड कर दिया ताकि इसकी
जो कंसिस्टेंसी है वो प्रॉपर रहे। तो अच्छे से मैंने इसमें मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च कटी हुई, तो वो देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है, और अगर आपको तीखा पसंद है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं, और अगर आप तीखा नहीं खाना चाहें तो उसको आप निकाल भी सकते हैं। तो इसलिए मैंने बड़े साइज़ की मिर्च को डाला है, क्योंकि ये देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। जब भी हम कहीं बाहर रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वो लोग मिर्च ऐसे ही डालते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। और इसमें हमने अब धनिया पत्ता स्प्रिंकल कर लिया है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला का पाउडर। तो एक चम्मच के करीब मैं गरम मसाला का पाउडर ऐड कर लेती हूँ। एंड बस दाल मखनी जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है। बस इसमें थोड़ा सा बटर का और तड़का लगाना बाकी है, ताकि ये पूरे तरह से दाल मखनी का जो टेस्ट है वो आए। अभी और बटर ऐड करना बाकी है। आप अगर हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आप इतने पे भी खा सकते हैं, टेस्ट में कोई चेंजिंग नहीं होगा, बहुत ही अच्छा लगता है। पर थोड़ा सा और टेम्पटिंग बनाने के लिए हम इसमें ऐड करते हैं बटर। तो पहले बटर को मैंने गरम कर लिया है, तो बटर गरम हो गई है। यहाँ पे मैं डालूँगी 1 स्पून रेड चिली पाउडर। ये कलर वाला रेड चिली पाउडर है, इसलिए घबराए नहीं, ये तीखा नहीं होगा इससे। तो मैं इसमें रेड चिली पाउडर ऐड करके मिक्स कर लेती हूँ। इसके बाद थोड़ा सा धनिया पत्ता भी डाल देंगे इसमें, तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। और इसे बस मिला देंगे दाल मखनी में। तो है ना, ये बहुत ही लाजवाब और बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा होगा आपको देखने से ही। तो ऐसे बनती है दाल मखनी रेस्टोरेंट में। तो हमारी दाल मखनी जो है बन के रेडी हो गई है, और अब लास्ट में हम इसे बटर से गार्निश कर लेंगे। तो मैं तो डायरेक्ट बटर से ऐसे गार्निश कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे आदत है, तो मैं डब्बे से ही गार्निश कर ली। तो अगर आपको आदत नहीं है तो आप स्पून में लेके ऐसे कर सकते हैं, ये देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो दाल मखनी बन के रेडी है, गैस को मैंने बंद कर दिया है, और अब आप इसे सर्व कर सकते हैं गर्मा गर्म। तो मैंने इसे चपाती के साथ सर्व किया है। आप चाहें तो पूरी, पराठे, चपाती किसी के भी साथ खा सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी लगती है। तो कैसी लगी आज की वीडियो बताइएगा ज़रूर। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। खुद का ख्याल रखिए, खुद से प्यार कीजिए।